देखिए ये चैप्टर 20 मार्क्स चैप्टर है, हाउस पार्टी से एक सम आएगा, हाउस पार्टी से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो भी, ठीक है। और हाउस पार्टी क्या होता है, देखिए अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, आप प्रॉपर्टी के ऑनर है, आप प्रॉपर्टी के क्या है, और उससे कोई इनकम अगर डिराइव हो रहा है तो वो चार्जेबल किसमें होगा, हाउस पार्टी में चार्जेबल होगा, ठीक है। तो कंडीशन देखिए यहाँ दिया हुआ है, हेलो, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एनुअल वैल्यू। पहले क्या निकालते हैं हम लोग, एनुअल वैल्यू मतलब एनुअल एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकालते हैं इसमें, एनुअल वैल्यू मतलब क्या होता है बताइए, एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम। हाँ, उसी को बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनकम प्रॉस्पर्टी में सबसे पहले पढ़ेंगे एनुअल वैल्यू निकालना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, एनुअल वैल्यू कैसे निकालना वो पढ़ेंगे आप लोग, इसमें क्या क्या डिडक्शन मिलेगा वो पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कि हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल क्या होगा, कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल कब होगा, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू क्या होता है कि जो आपका एनुअल वैल्यू मतलब क्या होता है, इसमें आपका जो बिल्डिंग है, लैंड जो बिल्डिंग है या उससे जो अटैच्ड आपका लैंड है, अगर एसएससी के आपका ऑनर है, एसएससी क्या बताइए, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, अगर आप ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है और कोई बिल्डिंग या लैंड पर्टिनेंट अगर आपके पास है, तो उससे जो इनकम डिराइव इनकम क्या हो रहा है आपका, वो आपका चार्जेबल किसमें होगा, हॉस्पिटल चार्जेबल होगा। तो तीन कंडीशन है यहाँ पे, पहला कंडीशन है कि बिल्डिंग और लैंड पर्टिनेंट मतलब कि कुछ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन अगर तो जैसे वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है, मान लीजिए ग्राउंड है अगर आपके पास, खाली जगह है, वो अगर रेंट पे देंगे तो हॉस्पिटल में नहीं आएगा, वो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, समझ गए, पहला कंडीशन है। हाँ बोलिए, ये अपर्टेनेंट थेरेटो मतलब कंस्ट्रक्शन, राइट? नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब हुआ बता रही, एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड, ये और थोड़ा बोलिए ना सर, एक सेकंड सर, थोड़ा और रिपीट कर सकते हैं सर, एक सेकंड, ओके सर। ये तीन कंडीशन है, पहला है कि एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी के क्या है, ऑनर है, ठीक है, अगर सबलेटिंग से अगर इनकम आएगा तो किसमें आएगा वो बताइए, अगर आप ऑनर नहीं है, अगर आप ऑनर नहीं है प्रॉपर्टी लेट आउट रेंट पे लिए मान लीजिए, और किसी और को रेंट पे दे रहे हैं लेके, ये IFOS है, तो वो किसमें आएगा, अंदर से उसमें आएगा सर, और एक बार वो एनुअल वैल्यू से थोड़ा बोलिए ना सर, एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एनुअल इनकम, तो हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल क्या होगा कि हाउस से कितना एनुअल इनकम हो रहा है, हाउस से कितना एनुअल इनकम कितना हो रहा है, ये हो रहा है, हाउस से कॉस्ट से मतलब नहीं है, हाउस का प्राइस से मतलब नहीं है, यहाँ पे हाउस का कितना प्राइस है उससे मतलब नहीं है, हाउस का वैल्यू से मतलब नहीं है, चार्जेबल क्या होता है, एनुअल इनकम चार्जेबल होता है, हाउस से एक्सपेक्टेड इनकम कितना एक साल का, वो चार्जेबल होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मतलब वो एनुअल वैल्यू होता है क्या? Mm-hmm.
समझ गए। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होने के लिए कंडीशन क्या बताइए आप, पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि एसएससी मस्ट बी ऑनर प्रॉपर्टी, एसएससी मस्ट बी क्या होना चाहिए ऑनर प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के ऑनर है तभी चार्जेबल होगा। बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट मतलब जो बिल्डिंग होता है उसके साथ जो एरिया अटैच रहता है, लैंड अटैच रहता है, गार्डन एरिया, पार्किंग एरिया सब उसके साथ में अटैच हो जाता है ना, वो पूरा एरिया क्या है आपका उसके साथ में है, बिल्डिंग के साथ में है वो, समझ गए, तो वो उसी को बोलते हैं लैंड अपर्टेनेंट। ठीक है, लैंड अपर्टेनेंट मतलब उसके साथ जो पूरा अटैच एरिया है, जो पूरा उसके साथ बिल्डिंग के साथ जो अटैच लैंड है, उसके साथ जो पूरा एरिया अटैच्ड है उसको बोलते हैं। तो अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए पहला बात, दूसरा कंस्ट्रक्शन पहला हो गया कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिए है मान लीजिए, ऑनर होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑनर होना चाहिए, और तीसरा है कि आप अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज, अगर अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं मान लीजिए तो हाउसप्रॉपर्टी भी चार्जेबल नहीं होगा, हाउसप्रॉपर्टी चार्जेबल। सर मतलब ये रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड वो क्या होगा, मतलब वो रेंट वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड कंस्ट्रक्शन का नहीं है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन खाली जगह है आपके पास, ग्राउंड है मान लीजिए, वो आप रेंट पे दे रहे हैं तो हाउसप्रॉपर्टी नहीं आएगा वो, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्शन होना चाहिए होगा। हाँ, और इनकम फ्रॉम सबलेटिंग बोला क्या, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ये रेंट पे दे रहे हैं प्रॉपर्टी मान लीजिए, ठीक है, किसी और सबलेटिंग मतलब रेंट पे लिए हैं, किसी और को रेंट पे दिए लेने, आप ऑनर नहीं है, आप प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं है, आप रेंट पे ले रहे हैं, किसी और को रेंट पे दे रहे हैं, तो वो किसमें आएगा फिर, अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप मान लीजिए लेट आउट इम्प्लॉयज कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे, अगर आप अपने बिजनेस के लिए करेंगे तो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, कहाँ आएगा वो पीजीबीपी में आएगा, अगर आप लेट आउट इम्प्लॉयज ऑफ ऑन बिजनेस, ठीक है, फॉर बेनिफिट ऑफ बिजनेस, अगर अपने इम्प्लॉयज को रेंट पे दे रहे हैं मान लीजिए अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए, बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं अपने इम्प्लॉयज को घर देते हैं रहने के लिए और उससे कुछ नॉमिनल रेंट चार्ज करते हैं, उससे कुछ नॉमिनल रेंट चार्ज करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ भैया, इनकम फ्रॉम तो ये किसमें आएगा, बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, कहाँ आएगा ये, अपने बिजनेस के लिए अगर यूज करेंगे आप तो वो कहां पे आएगा बताइए, पीजीबीपी, समझ गए। सर अगर हम लोग किसी अननोन इंसान को देंगे तो वो तो पीजीबीपी पे नहीं आएगा ना, वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ना। हाँ, आप अपने इम्प्लॉयज को बिजनेस के बेनिफिट के लिए दे रहे हैं तब पीजीबीपी में आएगा, अगर आप अपने इम्प्लॉयज को, अगर आप अपने इम्प्लॉयज को बिजनेस के लिए दे रहे हैं, अपने अपने इम्प्लॉयज को लेट आउट कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं है, अगर बिजनेस में कोई बेनिफिट तो फिर हॉस्पिटल में आएगा फिर वो, और अननोन को देंगे तो हॉस्पिटल में आएगा ऑब्वियसली फिर तो वो, ठीक है, किसी अननोन पर्सन को देंगे तब तो ऐसे भी वो हॉस्पिटल में आएगा, और अपने बिजनेस के इम्प्लॉयज को देंगे अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए, विच इज इंसिडेंटल टू बिजनेस, अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए दे रहे हैं विच इज इंसिडेंटल टू, तो पीजीबीपी में आएगा। अब बिजनेस के एम्प्लॉयज को लेट आउट देना अगर मान लीजिए कंपलसरी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, तो फिर हाउसप्रॉपर्टी में आएगा। और प्रॉपर्टी अगर हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो ये मेरा प्रॉपर्टी है इसको हम अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर वो मेरा किस में आएगा, फिर बिजनेस में आएगा, जो इसका एक्सपेंस होगा वो कहाँ पे आएगा, अगर ये प्रॉपर्टी मान लो मेरा खुद का प्रॉपर्टी है और इसको हम अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सपेंस होगा, जो इसका क्या होगा आपका बिजनेस एक्सपेंस में आएगा वो, ठीक है, अगर अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो। ओके, तो लैंड अपर्टेनेंट मतलब समझ गया हुआ, जो कार पार्किंग एरिया है, जो उसके साथ रोड बैकयार्ड कर्टयार्ड मतलब वो पूरा एरिया आ गया, बिल्डिंग के साथ जो पूरा एरिया है वो आ गया पूरा उसके अंदर में। वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड नॉट ए हाउस प्रॉपर्टी तो वो कहाँ आएगा, अदर सोर्स में आएगा। सबलेटिंग कहाँ आएगा, अदर सोर्स में आएगा। अगर बिजनेस हम कैरी ऑन कर रहे हैं और बिजनेस
प्रॉपर्टी अगर हम बिजनेस के लिए उसके लिए कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपेंस है या इनकम जो भी आएगा बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। अगर हम प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉयज को लेट आउट कर रहे हैं बिजनेस के बेनिफिट के लिए तो किसमें आएगा? बिजनेस प्रोफेशन में। कौन सा नंबर सम है सर ये? कुछ सम नहीं है, पॉइंट नंबर वन पढ़िए सर, दिया बुक में। हाँ सर। हाँ बोलो सर। वर्ल्ड में जो 1, 2, 3 ऊपर की जो कंडीशन है वो हाउस होल्ड या कंडीशन है ना? नेसेसरी कंडीशन। हाँ हाँ कंडीशन है सर। अगर मान लीजिए बिल्डिंग में बहुत सारा फ्लैट है तो हर एक फ्लैट अलग अलग आपका क्या हाउस पार्टी है वो यहाँ तक बोलिए देखो ना दिया हुआ सबको कार के मतलब बिल्डिंग के साथ जो नीचे लैंड होता है गार्डन एरिया है पार्किंग एरिया जो उसके साथ अप्रोचेज रोड बैकयार्ड कोर्टयार्ड सब आ गए उसके अंदर में मतलब सर वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। हाँ 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 हो गया। डीम्ड ओनरशिप क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी है आपका, आप ओनर नहीं है, लीगल ओनर नहीं है, लेकिन चार्जेबल आपके हैंड में होगा। चार्जेबल किस केस में होगा? देखो अगर आप अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, ये चाइल्ड माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑनर कौन है? स्पाउस है, चाइल्ड ऑनर है, लेकिन टैक्सेबल आपके हैंड में होगा। अगर आप स्पाउस को या चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट, चाइल्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं या स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इनकम जो भी आएगा वो आप में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी और लीज पे लिया, अगर प्रॉपर्टी किस पे लिया आप और लीज जो पीरियड है 12 साल का ज्यादा है, मोर देन 12 ईयर से ज्यादा का अगर लीज पे लिए हैं तो लीजल प्रॉपर्टी है वो। कौन सा प्रॉपर्टी आपका वो? तो लीज खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी आपको वापस देना पड़ेगा, लेकिन टैक्सेबल क्या होगा फिर? हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। 12 साल से ज्यादा का लीज अगर है, ये 12 साल का लीज अगर है तो फिर लीज पे अगर लिए हैं आप ऑनर नहीं है लीगल ऑनर, लेकिन चार्जेबल आपके हैंड में होगा। समझ गए? मतलब सर ये जो है ना ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर सर वो भी क्या हाउस प्रॉपर्टी में ही चार्ज? हाँ हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होगा। अगर आप स्पाउस को या चाइल्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑनर आप नहीं है, ऑनर कौन है? स्पाउस या चाइल्ड है, लेकिन टैक्सेबल आपके हैंड में होगा। ठीक है। तो सर मतलब कंप्यूटेशन जब करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा मतलब? बताएंगे सर। हो गया, चलिए हो गया, आगे बोले। हेलो। हाँ बोलो सर। डीम्ड ओनरशिप पॉइंट फिर से बोलिए ना थोड़ा। डीम्ड ओनर के मतलब आप डीम का मतलब क्या होता है? आप ऑनर नहीं है, आप ऑनर लेकिन ऑनर जैसे टैक्सेबल होगा आपका, जैसे ऑनर का टैक्सेबल होगा वैसे आप पे टैक्सेबल होगा। जैसे आप स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंसीडरेशन या माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंसीडरेशन तो ऑनर कौन है? आप तो ऑनर नहीं है, लीगल ऑनर कौन है? कोई और है। लीगल ऑनर कौन है? स्पाउस और चाइल्ड, लेकिन टैक्सेबल आपके हैंड में होगा, वही बोल रहे हैं। आपका फाइल क्लब्ड हो जाएगा ना? हाँ तो क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे टैक्सेबल आपके हैंड में होगा। हाउस प्रॉपर्टी में क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, डायरेक्ट टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगा। ओके सर। हाँ सर ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्रॉपर्टी 12 साल से ज्यादा का लीज पे दिए, लीज पे लिए प्रॉपर्टी, आप ऑनर नहीं है लेकिन टैक्सेबल आपके हैंड में होगा, क्योंकि 12 साल मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया। लॉन्ग टाइम के लिए अगर लीज पे लेते हैं तो टैक्सेबल आपके हैंड में होगा। हो गया तक? और किस केस में देखिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम चार्जेबल नहीं होगा? अगर कोई फार्म हाउस है, फार्म हाउस मतलब जो आपका एग्रीकल्चर लैंड, अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर के लिए यूज आ रहा है कोई, अगर हाउस है एग्रीकल्चर रिमोट विलेज में कोई गांव में, अगर आपका हाउस है फार्म हाउस है जिसको आप एज ए स्टोर हाउस यूज कर रहे हैं, जहां पे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं या रहने के लिए यूज कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो जो चार्जेबल होगा वो किसमें चार्जेबल होगा? एग्रीकल्चर इनकम हो गया वो, एग्जेम्प्ट हो गया वो, क्या हो गया आपका वो? तो चार्जेबल नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ऑन बिजनेस के लिए, तो भी हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल। यहाँ तक हो गया? सर एक बात पूछना था। हेलो। बोलो बोलो सर। ये हाउस लोन एक कंडीशन है ना, 1/5 करके इंटरेस्ट लोन में आता है, वो क्या बीकॉम के लिए आता है उतना सम? हेलो। बोलो सर। हाउस प्रॉपर्टी में 1/5 करके एक कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन लोन में, वो क्या बीकॉम के लिए आता है वो वाला सम? इसमें किसमें? हाउस प्रॉपर्टी में सर। कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन? हाँ तो आएगा तो इंटरेस्ट लोन।
ओ वन बाई फाइव करके एक क्या है, हाँ प्री हाँ प्री प्री इंकॉग्निशन पोस्ट वाला। ठीक है सर, आएगा ओके सर। ठीक है। इसके बाद लिखिए, ठीक है, सबसे पहले लेटर बॉडी, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लेटर प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मान लीजिए रेंट पे दे रहे हैं आप, अगर क्या दे रहे हैं आप, चाहे वो बिजनेस के लिए दे रहे हैं जिसको आप लेट आउट किए हैं, वो रहने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसको आप लेट आउट किए हैं वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं या फिर रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, उससे मतलब नहीं है आपको। आप अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, आप जिसको लेट आउट किए हैं वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, किसके लिए यूज कर रहा है, बिजनेस के लिए या फिर रेसिडेंस के लिए, तो वो किसमें चार्जेबल होगा सर, हाउस प्रॉपर्टी में किसमें चार्जेबल होगा ये। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग इसमें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, जीएवी। सर अगर से लेट आउट पे एम्प्लॉइज ऑफ ओन बिजनेस, वो नहीं होगा यहाँ पे, वो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं है, वो बोल रहा आपको बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। हाँ सर, सर वो अगर बिजनेस प्रोफेशन में आ सकता है तो सर इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस वो क्यों बिजनेस प्रोफेशन में नहीं है? आपका अपना बिजनेस नहीं है जिसको आप लेट आउट किए, वो दूसरे दूसरा आदमी बिजनेस कर रहा है, तो आपको क्या मतलब है, आपका बिजनेस है वो। ओ अच्छा फिर ठीक, कोई दुकान है मान लीजिए आप रेंट पे दिए हैं, आपको रेंट मिल रहा है, और जो प्रॉपर्टी है वो आपका प्रॉपर्टी है, ओनर आप है, लेकिन जिसको दिए हैं वो बिजनेस यूज कर रहा है, आप अपने बिजनेस को यूज नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस ऑन बिजनेस लिखा रहेगा तब बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, खाली बिजनेस लिखा है मान लीजिए लेटर फॉर बिजनेस तो किसमें आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना, कैसे निकालना बताएंगे आपको आगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ गए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया मतलब आपका 50% सॉल्व हो गया क्वेश्चन। उसके बाद है म्युनिसिपल टैक्स, सर इसमें कोई कॉलम नहीं है, बता रहे वो कॉलम ही तो है, और क्या है ये, ग्रॉस एनुअल लेस क्या करिए, नहीं सर म्युनिसिपल टैक्स वो जो लंबा लंबा जो दाग होता है क्या वाला स्ट्रेट लाइन लाइन सर, ड्रॉ कर लीजिए लाइन, इसमें क्या लीजिए, ओके ये नेट एनुअल वैल्यू आ गया, दो कॉलम बनेंगे अमाउंट का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स क्या आगे बताइए, नेट एनुअल वैल्यू आ गया बोलिए, एनएवी, समझ गए। इसके बाद लेस करिए इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा इस चैप्टर में, देखिए एक आपको निकालना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना वो समझेंगे आप, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स कैसे निकालना वो समझोगे आप, उसके बाद एनएवी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता, जीएवी निकल गया म्युनिसिपल टैक्स निकल गया, दोनों निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद क्या आएगा, एनएवी आ जाएगा माइनस करने के बाद, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, दो डिडक्शन है इसमें, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये क्या बताइए आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, अंडर सेक्शन 24A, ये कितना परसेंट है, एनएवी का कितना परसेंट है ये, मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डायरेक्ट 30% आ जाएगा एनएवी का,
आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा चैप्टर में, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना एक हो गया, दूसरा म्यूनिसिपल टैक्स निकालना हो गया, ठीक है, वो माइनस करने के बाद क्या आएगा एनएवी मतलब एनुअल वैल्यू, वहां तक हो गया। उसके बाद दो डिडक्शन इसमें, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये कितना परसेंट है 30% आ जाएगा डायरेक्ट एनएवी का 30%, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस जो भी एनएवी आएगा उसको डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा 30%, ठीक है। और दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये निकालना पड़ेगा आपको 24B, दोनों माइनस कर देंगे लास्ट में हम लोग। ये क्या आ गया आपका इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, समझ गए बोले। आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तीन पार्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, तीन चीज पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा नीचे जा सकते हैं सर, बोलिए बताओ इसमें ग्रॉस सबसे पहले क्या था बताइए, जीएबी निकाले लेस क्या किए म्यूनिसिपल टैक्स, माइनस करने के बाद क्या आया एनएवी मतलब नेट अर्निंग वैल्यू आ गया, और दो डिडक्शन था इसमें, एक था स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक क्या था बताइए, दोनों माइनस करने के बाद क्या आ गया हाउस इनकम फ्रॉम, तो मतलब आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, जीएवी निकालना, म्यूनिसिपल टैक्स निकालना, इंटरेस्ट लोन, बस ये तीन पढ़ना पड़ेगा आपको, ये तीन अगर सीख गए तो चैप्टर कंप्लीट, समझ गए क्या क्या। जीएवी निकालेंगे तो हो गया पहला पार्ट, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया सेकंड, और एक इंटरेस्ट ऑन, ये तीन आपको समझना पड़ेगा बस, ठीक है। उसके बाद देखिए ना रहे तो लोन निकालने की जरूरत नहीं है सर, इंटरेस्ट लोन दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड, ये क्या था लेट आउट, ये क्या था बताइए आपको, सर ये चैप्टर कितने दिन का चैप्टर है, 6 क्लास लगेगा अप्रोक्स। ओके सर। इसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब क्या हो रहा है, देखिए आप अपने अपने लिए यूज कर रहे हैं, रहने के लिए सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको इससे कोई इनकम होगा बताइए, अगर आप अपने रहने के लिए यूज करोगे तो इनकम तो कुछ होगा नहीं आपको, तो सीधा क्या लिखिएगा एनएवी, सीधा क्या लिखिएगा इसका, इसका जीएबी निकालने की जरूरत, इसका आपको एनुअल वैल्यू निकालना नहीं, इसको आपका फिर अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो आपको एनुअल वैल्यू निकालने की जरूरत है, बोलो। हाँ सर। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको इसका एनुअल वैल्यू निकालने की जरूरत, इधर आप एनएवी डेट नील हो जाएगा, एनएवी डेट क्या हो जाएगा, इसका इनकम कुछ नहीं होगा इसमें आपका, सर क्यों नहीं होगा, अपने आपको रेंट कैसे पेमेंट करेंगे बोलिए, ओके वो रेंट देगा आपको, आप अपने खुद के रहने के लिए करेंगे तो हो गए सर। म्युनिसिपल टैक्स तो लगता है ना, हाँ तो उसमें म्युनिसिपल टैक्स आपको नहीं मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्स इसमें आपको नहीं मिलेगा, एनएवी नील हो जाएगा डायरेक्ट, लेस खाली इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B आएगा बस, हाँ
मतलब सर म्यूनिसिपल टैक्स का इस मतलब कुछ भी नहीं होगा तो सिर्फ नहीं आएगा सर। हाँ बोले इसमें निगेटिव आएगा आपका हमेशा, इसमें क्या आएगा आपका हमेशा माइनस में आएगा ये। देखिए इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ठीक है, और सर डिडक्शन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा तो सर। हाँ इसमें खाली इंटरेस्ट लोन आएगा बस। अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ISLHP इनकम हाउस प्रॉपर्टी, ये हो गया इनकम सेल्फ ऑक्युपाइड, क्या हो गया पता है इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, तो ये हमेशा लॉस में आ गया, हमेशा क्या आएगा आपका लास्ट में जितना भी हाउस है सबका इनकम जो भी इनकम रहेगा इनकम ऐड करेंगे लॉस क्या करेंगे, अगर दो तीन हाउस आपके पास है तो इनकम इनकम और लॉस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो अल्टीमेटली आंसर रहेगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा सब मिला के जो भी आएगा। अगर आपका तीन चार हाउस है मान लो तो सबका इनकम ऐड कर देंगे लास्ट में, लॉस रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक हाउस का लॉस दूसरे से एडजस्ट हो जाता है, आप पढ़ते ना हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ में, अगर एक हाउस में लॉस है दूसरे हाउस में क्या आपका अगर इनकम है तो आपस में क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है तक। ओके अब हम लोग सीखेंगे क्या, सबसे पहले जीएवी निकालना, क्या निकालना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हेलो ग्रॉस एनुअल निकालना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले इसमें चार पार्ट है, एक है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब एनुअल वैल्यू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है एनुअल वैल्यू एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है जो म्युनिसिपल एरिया होता है ना आपका, तो उस म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो आपका एनुअल घर का एनुअल वैल्यू होगा घर का जो आपका वो हो गया आपका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। हर एक एरिया का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है जिसके ऊपर वो म्युनिसिपल टैक्स चार्ज करता है, जिसके ऊपर क्या चार्ज करता है वो तो एनुअल वैल्यू पे चार्ज करता है, म्युनिसिपल टैक्स इस पे चार्ज होता है, ये हो गया ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा लिखिए फेयर रेंट, फेयर रेंट का मतलब क्या होता है बताइए, मतलब रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ कितना रेंट होना चाहिए, कितना रेंट इन कितना रेंट होना चाहिए सिमिलर प्रॉपर्टी का सिमिलर लोकेलिटी में, सेम लोकेलिटी में या सिमिलर लोकेलिटी में कितना रेंट होना चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग फेयर रेंट, हो गया था समझ गया फेयर रेंट क्या है, कितना रेंट होना चाहिए, कितना रेंट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। उसके बाद लिखिए स्टैंडर्ड रेंट,
स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, देखिए मैक्सिमम रेंट होता है, क्या होता है भाई आपका मैक्सिमम लिमिट एज पर सर, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में भी क्या ये फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट ये सब आएगा क्या फिर? काम आएगा अभी, हाँ काम आएगा ग्रॉस एनुअल निकालने के लिए, तभी तो लिख रहे हैं, नहीं क्यों लिखते हैं? हाँ इसलिए हम भी पूछे ओके ये सही से स्टैंडर्ड रेंट में स्टैंडर्ड का मतलब मैक्सिमम कितना रेंट हो होना चाहिए एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से आपका रेंट कितना होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। सब आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, जीएमबी आपको दिया रहेगा, फेयर रेंट आपको दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप वन लिखिए, पहला स्टेप पहले चार एक और पॉइंट वो लिख लीजिए, उसके बाद आपको स्टेप बताएंगे। हाँ ये तीन हो गया, एक और पॉइंट वो भी लिख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। जीएमबी काम आएगा, फेयर एंड काम आएगा, स्टैंडर्ड काम आएगा, और एक है एक्चुअल रेंट। कितना रेंट आपको मिलना चाहिए, मिलेगा एक्चुअल रेंट को जाओगी ना, एक्चुअल रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना रेंट आपको मिलना चाहिए, समझ गए बोलिए। तो ये चार पॉइंट आपको काम आएगा। तो सबसे पहले स्टेप वन लिखिए, सबसे पहले क्या करना देखिए, पहले क्या लिखिए, जीएमबी ग्रॉस बुक वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, पहले दोनों में जो हायर है वो लिखिएगा, हेलो हेलो ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू और फेयर एंड व्हिचएवर इज, पहले दोनों में जो हायर उसको लिखिएगा, जीएमबी और फेयर एंड, जीएमबी और व्हिचएवर इज हायर, दोनों में जो भी हायर उसको लीजिएगा पहले, समझ गया तक। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, स्टैंडर्ड लिखिए, उसका क्या लिखिएगा सर? ये मतलब स्टेप जो आप जो लिखा रहे हैं ना सर, मतलब ये क्या निकालने के लिए है, ये स्टेप भी लिख रहे हैं, ये भी निकालने के लिए, ये भी निकालने के लिए। पहले ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फेयरेंट जो हायर उसको लिखिएगा पहले, जीएमबी और फेयरेंट जो भी दोनों में जो ज्यादा उसको लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। इसके बाद दोनों में जो भी लोअर आएगा, ए और बी पे जो भी क्या आएगा आपका, वो हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब इतना रेंट होना चाहिए लोअर ऑफ द वर्ब। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आर ई आर, ठीक है। जीएमबी और फेरेंट विचर भी हायर लिखे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा स्टैंडर्ड रेंट, क्या लिखिएगा उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, ये इसको बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आर ई आर, ठीक है, कितना रेंट होना चाहिए। ये कैसा आएगा, दोनों में जो लोअर होगा, दोनों ए और बी में जो भी, वो हो गया आपका आर ई आर, ठीक है। उसके बाद तक
इसके बाद ही है उसके बाद ERR माइनस क्या करिएगा अनलाइज रेंट क्या माइनस करिएगा इसमें जब का एनुअल रेंट है ना तो है ना माइनस क्या करिएगा इसमें अनलाइज रेंट UR माइनस UR तो माइनस करने के बाद सर ERR कहां से मिलेगा सर DR है सर हेलो ERR माइनस UR एनुअल रेंट आपको DR है क्वेश्चन में एनुअल रेंट क्वेश्चन में आपको इसमें अनरियलाइज्ड रेंट मतलब जो रेंट बैड डेट्स हो गया जो रेंट क्या हो गया आपका अनरियलाइज्ड रेंट मतलब जो रेंट नहीं मिला आपको मिलेगा भी नहीं अब आपको जो रेंट क्या हो गया अनरियलाइजेबल अब मिलने वाला नहीं है ठीक है मतलब सर ईआरआर जो है ना एक्चुअल रेंट में से वो क्या दिया रहेगा कुछ दिया रहेगा एनुअल रेंट दिया रहेगा आपको हां और अनरियलाइज्ड भी दिया रहेगा हां हां ठीक है ना उसके बाद जो हायर होगा वो क्या हो जाएगा बताइए सीओडी जो भी आपका हायर है हायर ऑफ द वर्ब Higher of the समझ गए तो पहले आप आरजीआर निकाल लीजिएगा उसके ERR मतलब एनुअल रेंट जो आपका रिसीवेबल है माइनस क्या करिएगा इसमें एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो रहेगा उसमें अनरियलाइज्ड रेंट क्या करिएगा माइनस कर दीजिएगा फिर दोनों में जो हायर होगा दोनों में जो भी क्या होगा आपका हायर होगा वही क्या हो जाएगा आपका जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू समझ गए इसमें खाली एक पॉइंट और है अभी बताएंगे आपको आगे यहां तक हो गया यहाँ फॉर्मेट आपको बुक में भी दिया हुआ है सबसे पहले क्या निकालिए जीएमबी ऑफ फेरेंट जो हायर है वो लिखिएगा फिर क्या लिखिएगा स्टैंडर्ड एंड क्या लिखिएगा उसके बाद फिर दोनों में जो लोअर है दोनों में जो भी क्या आपका वो क्या हो गया आपका आरईआर उसके बाद एक्चुअल एंड रिसीवेबल माइनस क्या करिएगा इसमें अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद जो आएगा वो हो गया आपका ग्रॉस दोनों में जो हायर होगा दोनों में जो भी क्या होगा आपका वो हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेकिन अगर अगर आपका ERR माइनस UR अगर लोअर ड्यू टू वैकेंसी है अगर किसके कारण वैकेंसी के कारण कम हो रहा है अगर जैसे अगर आपका अगर ये भी निकलने का बात बोल रहे हैं तो हाँ 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 अगर जो आपका ERR जैसे आरईआर अगर ज्यादा है आपका आरईआर क्या अगर मान लीजिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर आरईआर आपका ERR माइनस UR से ज्यादा है लेकिन क्यों ज्यादा है रीजन क्या है इसका बताइए अगर इस केस में देखिए अगर ERR ज्यादा आपको अगर डी ज्यादा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर स्टेप डी अगर क्या है तब कोई दिक्कत नहीं है ध्यान दीजिएगा अभी समझ करेंगे तब समझे आपको अगर स्टेप डी ज्यादा तब कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आरईआर अगर ERR माइनस UR से ज्यादा है ठीक है उस केस में क्या होगा जैसे एनुअल रेंट आपका ज्यादा है मान लीजिए किससे आरईआर से एनुअल रेंट की आपका आरईआर से फिर इसमें हम लोग वैकेंसी माइनस किए वैकेंसी क्या करती है हम लोग इसमें से लॉस ड्यू वैकेंसी सर थोड़ा एक बार ऊपर जस्ट एक चीज सर पूछना है जैसे एनुअल रेंट आपका क्या है आपका एनुअल रेंट जो है ना वो आपका आरईआर से ज्यादा है ये एग्जांपल भी तो नहीं समझ में आएगा आपको अगर एनुअल रेंट आपका वैकेंसी एनुअल रेंट जो है ना आपका आरईआर से ज्यादा एनुअल रेंट क्या आपका आरईआर से और लॉस
ड्यू टू वैकेंसी माइनस किए हम लोग, माइनस करने के बाद क्या है आपका एआरआर, माइनस करने के बाद क्या है आपका, ठीक है, और जो एआरआर है ना लेस देन आरईआर ड्यू टू वैकेंसी लॉस ड्यू टू, ये जब तक हम लोग सम नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, बस खाली एक बार लिख लीजिए आप लोग, एआरआर अगर लेस देन आरईआर ड्यू टू वैकेंसी लॉस के कारण है, मतलब ऐसे ज्यादा था पहले ज्यादा था लेकिन वैकेंसी माइनस करने के बाद कम हो गया, मतलब एनुअल एंड आपका पहले क्या था आरईआर से ज्यादा था लेकिन वैकेंसी माइनस के करने के बाद कम हो गया, नहीं तो कम नहीं होता, नहीं तो कम इस केस में फिर क्या होगा अगर ऐसा कभी होता है, मान लो समझ गए बात को, ये हम लोग अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ आएगा आपको, ठीक है, अगर एनुअल रेंट ज्यादा है किससे बताइए आरईआर से, मतलब पहले रेंट आपका ज्यादा था, पहले आपका रेंट क्या था लेकिन वैकेंसी माइनस करने के बाद कम हो गया, वैकेंसी माइनस करने के इस केस में क्या होगा देखिए, सर थोड़ा एक बार ऊपर से सर एक चीज पूछना है था। उस केस में कम होने के बाद भी क्या हो जाएगा फिर आपका ये जी भी हो जाएगा, ऐसे तो जो हायर होता है वो होता है ना, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्या है, नॉर्मल रूल जो हायर होगा वो होगा, नॉर्मल रूल क्या है कि आरईआर और एआरआर माइनस यूआर जो ज्यादा होगा वो होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि जो आपका एनुअल रेंट पहले ज्यादा था, पहले आपका एनुअल रेंट क्या था आरईआर से लेकिन वैकेंसी माइनस करने के बाद कम हो गया, वैकेंसी माइनस करने के बाद कम हो गया नहीं तो कम नहीं होता, उस केस में फिर एआरआर माइनस यूआर जो होगा वही आपका जीपी हो जाएगा। सर यहाँ पर आरईआर सर ग्रेटर देन एआरआर माइनस यूआर है, मतलब वो कब होगा ये वहां से एक बार, अगर आरईआर क्वेश्चन में जब देखेंगे कि आरईआर ज्यादा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, तब हमको ये क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आरईआर कम है फिर चेक करने जरूरत नहीं है, नहीं अगर आरईआर कम है, अगर आरईआर मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अगर वो कम है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत है बताओ, तब आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा क्या हो जाएगा जो हायर है वही आपका जीबी हो जाएगा, लेकिन अगर आरईआर कभी ज्यादा आता है तो चेक करना पड़ेगा क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा क्यों उसका रीजन देखना पड़ेगा, अगर आपका एनुअल रेंट पहले ज्यादा था मान लीजिए और वैकेंसी माइनस करने के बाद कम हो गया, उस केस में क्या होगा एआरआर क्या हो जाएगा आपका एआरआर माइनस यूआर वही आपका जीबी हो जाएगा, ये हम लोग समझ करेंगे तब समझ में आएगा, समझ गए, मतलब सर आरईआर अगर सर एआरआर माइनस यूआर से अगर कम होगा तो चेक करने का जरूरत नहीं है, मतलब तो आरईआर जो होगा वही हो जाएगा क्या जीएबी, नहीं 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 आरईआर कभी भी जीएबी नहीं होगा, आरईआर अगर जीएबी होगा उसी केस में जब आरईआर अगर एनुअल रेंट आपका पहले से कम है, अगर आरईआर से अगर एनुअल रेंट आपका आरईआर से पहले से कम है तो उस केस में आरईआर जीएबी होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग एग्जांपल नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा, ये नेक्स्ट क्लास में होगा अगले क्लास में होगा, ठीक है, मतलब सर ये आरईआर ग्रेटर देन एआरआर माइनस यूआर सर वो पार्ट भी सर समझ में नहीं आया, ठीक है एग्जांपल के साथ कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम दीजिए अभी, मतलब समझ में आएगा तो हाँ क्यों नहीं आएगा समझ में, ठीक है नेक्स्ट क्लास आपको मंडे है वेडनेसडे को, कल आपका थ्योरी क्लासेस है वेडनेसडे, टैक्स क्लास 3 बजे से है, 2 बजे से कॉस्ट क्लास है।